डॉक्टर जी एस शर्मा का मानना है कि कोरोना की वैक्सीन हर व्यक्ति को लगवानी ही चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रही बेबुनियाद बातों के फेर में नहीं आना चाहिए। हर वैक्सीन थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, उसी प्रकार कोरोना वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट अवश्य होंगे, लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले आमजन को वैक्सीन का इंतजार था, अब वैक्सीन बाजार में आ गई है तो लोगों को अर्थहीन और तथ्यहीन बातों से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की गाइडलाइन के तहत हर व्यक्ति को निसंकोच होकर वैक्सीन लगवानी नहीं चाहिए, बल्कि आस पड़ोस के लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए। वैक्सीन तो हर एक आदमी को, हर एक मानव को लगवानी चाहिए। जब वैक्सीन नहीं थी तो सभी लोग बाग ये बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सब वैक्सीन आ जाएगी तो अपन बहुत सुरक्षित हो जाएंगे। जब वैक्सीन आ गई तो तरह तरह के भ्रम द्वंद लोगों के दिमाग में आ गए कि वैक्सीन के इतने साइड इफ़ेक्ट होंगे, वैक्सीन से ये परेशानी होगी। स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि समाज के हर वर्ग को, जिसको भी गाइडलाइंस आ रही है गवर्नमेंट की, उनको सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन, ये वैक्सीन उसी तरीके से जैसे और सब बच्चों में वैक्सीन लगती है, डीपीटी की लगती है, डिफ्थीरिया की लगती है, टिटनस की लगती है, रेबीज़ की लगती है, उसी तरीके की वैक्सीन है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट तो सभी वैक्सीनों में होते ही हैं, जैसे जहाँ इंजेक्शन की जो साइट है, जगह है, वहाँ पर कुछ दिन के लिए, दो चार दिन के लिए दर्द रहेगा, बुखार हो सकता है, हल्का सा सुस्ती सी आ सकती है, वो हर एक वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट है। और इस वैक्सीन के साथ में माइनर इफ़ेक्ट आते हैं, किसी के सिर में भी दर्द हो सकता है कभी कभी, जैसे कभी कभी जुखाम की सी स्थिति भी हो सकती है, सबको नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली क्या, ये वही तो वायरस है जिसके अपन ने इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ा दिए हैं, एंटीजेनिसिटी उसकी बढ़ा दी है, बाकी है तो वही वायरस जो कि कोविड वाला वायरस है, लेकिन उसके अपन ने जैसे सांप के दांत निकाल देते हैं, उसका जहर निकाल देते हैं, अब फिर सांस डरने की कोई बात नहीं है। इसी तरीके से ये जो वैक्सीन है ये उसी वायरस से बनाई गई है और इसकी इम्यूनिटी को अपन काम में ले रहे हैं, तो इसमें थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट आते हैं, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। सभी को लगानी चाहिए, जैसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स ने लगाया था, हेल्थ वर्कर्स ने लगाया था, अभी 60 से ऊपर वालों के लगा रहे हैं, या वो लोग बाग जिनके की और डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या और कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, फिर उसके बाद में दूसरे एज ग्रुप के लोग बाग आएंगे। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट उन सभी लोगों को कवर करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और ऐसे मामले भी देखे जा रहे हैं कि जैसे जो कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो वो डर रहे हैं कि क्या, और बिल्कुल डरने की बात नहीं है। गंभीर बीमारी वाले लोगों को तो सामने आके इनको पहले से लगवाना चाहिए, क्योंकि गंभीर बीमारी में अगर एक बार कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें और गंभीरता आ जाती है, उसमें मरने के और मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए उन लोगों में जिनमें पहले से कुछ भी बीमारी है उनमें वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, लेना चाहिए, इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। मैंने भी ली है, मेरे भी हाइपरटेंशन है, मैंने भी ली है, मेरी पत्नी ने भी ली है, डायबिटीज़ की है, मेरे जितने भी रिश्तेदार जितने भी हैं सब 60 से ऊपर वाले हैं, सबको मैंने वैक्सीन दिलवाई है और किसी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रधानमंत्री ने, दूसरे मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों ने यही तो आपको बताया है कि हमने देखो ले रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं हो रहा है, हम चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, हम सब जगह की मीटिंग्स भी ले रहे हैं, देश के इतने बड़े बड़े सारे काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो लोगों को भ्रांतियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं, ये जो फेक न्यूज़ होती है ना, ये बहुत जल्दी नुकसान करती हैं, इसलिए कोई भ्रांति की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह मत करिए इस चीज़ पर, वैक्सीन आप लीजिए, वैक्सीन ही आपका बचाव है। और फिर वैक्सीन लेने के बाद में जो पुरानी गाइडलाइंस हैं, आपको मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, और डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी, वो तो सब कुछ है ही, लेकिन वैक्सीन उसके साथ में एक एडिशनल चीज़ है जो आपको ताज़िंदगी सुरक्षा देगी कोविड वायरस।